तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर बेसिकली इसमें देखा जाए तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास है हैंगिंग फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ए ट्रॉली एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एंगल थीटा व्हेन द ट्रॉली रोल अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एक्सलेशन अल्फा। देखो इंक्लाइन प्लेन का जो एक्सलेशन है, ये वाला जो एक्सलेशन है, वो ऑलरेडी अल्फा इन वे कर रहा है। तो दिस एक्सलेशन इज ऑलरेडी अल्फा, और ये एंगल जो इंक्लिनेशन है, ये वाली जो एंगल है, ये लाइन, ये वाली लाइन जो है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन, स्ट्रिंग उससे थीटा डिग्री पर ओरिएंटेड है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम इस इंक्लाइन प्लेन पे ए एक्सलेशन से आगे इधर एक्सलेट हो रहा है, तो हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। थीटा देन द डायरेक्शन ऑफ द थीटा इन द ट्रॉली रोल। देखो सबसे पहले बॉब पे सिंपल, ये जो बॉब है, एम मास का बॉब है, इस पे सबसे पहले फोर्स देखो। तो फोर्स देखोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर आएगा। देखो फोर्स को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इधर आएगा, ठीक ना, इस डायरेक्शन में आएगा। और ये एंगल थीटा है तो ए भी थीटा है, और ये वाली लाइन वर्टिकल वाली लाइन है, एम जी इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, ये लगेगी एम जी। और सूडो जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो मेरा जो ऑब्जर्वर है इसी के फ्रेम से, एक्सेलरेटेड फ्रेम से सॉल्व कर रहा है, ये यहाँ पे बैठा है, जादूगर है। तो ये जो सूडो फोर्स इस पे बॉब पे लगाएगा, इस प्लेन के पैरेलल वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये इस प्लेन के पैरेलल वाली लाइन है, और सूडो इसके अपोजिट आएगा, मास ऑफ द बॉब एक्सलेशन ऑफ द प्लेन। तो दीज आर द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉब, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम सबको पता है ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होता है, ठीक ना। आई होप कि आप जानते होंगे। तो ये यहाँ से अल्फा है, तो अगर देखोगे एम जी का कॉम्पोनेंट करोगे तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट देखो किधर जाएगा, अगर एम जी का कॉम्पोनेंट करोगे तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, जो एम जी कॉस अल्फा होता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, और एक सूडो की डायरेक्शन में आएगा इन जो एम जी साइन अल्फा होगा, ठीक है। टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवार्ड आएगा, अगर यहाँ देखोगे, सॉरी, टेंशन का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा है, तो ये वाली जो एंगल है, देखो अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल थीटा होगा, ये पूरा एंगल थीटा होगा ना, अगर ये थीटा है, सॉरी ये मेरे से गलती हो गया था, ये थीटा है तो ये पूरा एंगल थीटा है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा टी साइन थीटा। मतलब जो भी फोर्स लग रहा था हमने उसको क्या किया, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कर लिए बस, ठीक है ना, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो अगर मैं इनमें अब देखूंगा सॉल्व इक्वेशन बना लूँ, तो देखो टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी कॉस अल्फा के, टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी कॉस अल्फा के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें ध्यान रखना थीटा चाहिए, तो यहाँ से और टी साइन थीटा बराबर होगा एम ए सूडो प्लस एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा के, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब टू में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा, और डिवाइड कर दूं यहाँ से एम जी कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आ जाएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा, और डिवाइड कर दें यहाँ से एम जी कॉस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द थीटा एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट। अब देखो अगर थीटा इतना, थीटा अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एग्जिस्ट करता है तो थीटा जो है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो सी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।